ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। कहते हैं ये बात कही राधा ने कृष्ण से। बहुत बड़ी बात है और सच्चाई भी है। कहते हैं किसी दूसरे की पीड़ा को आप कब महसूस कर सकते हो। यही बात हुई राधा और कृष्ण के मामले में। जब कन्हैया गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे होते हैं, सबसे मिलने के बाद अंत में आते हैं राधा के पास, वो भी बहुत डरते हुए। कन्हैया कभी किसी से डरा नहीं, पूरा जीवन छलिया था, लेकिन एक शक्ति थी जिससे कन्हैया भी डरता था, और वो एकमात्र शक्ति थी राधा। क्योंकि कन्हैया जानता था मैं सबको मना लूंगा, छलिया हूं सबको मना लूंगा कुछ ना कुछ कहकर, लेकिन राधा उसे ज्ञान देना सबसे भारी काम है। डरते हुए गया राधा के पास, क्योंकि बिना मिले जा नहीं सकता था। अंत में गया और जाकर कहा राधे मैं जा रहा हूं, और मुझे नहीं लगता राधा कि अब मैं शायद कभी वापस लौट कर आऊंगा। तू मेरी शक्ति है, तुझे पता है, तू जानती है सब कुछ कि मैं धरती पर क्यों आया हूं, सब पता है तुझे। इसलिए एक प्रार्थना है तुझसे कि मुझे नहीं लगता मैं शायद कभी लौट कर वापस आऊंगा, इसलिए हो सके तो हमारे बीच आज तक जो भी कुछ हुआ उसे बचपन का खेल समझकर भूल जाना, और कोशिश करना हो सके तो मुझे भूल जाना। बड़ी आसानी से कह दिया कन्हैया ने कि राधा हो सके तो मुझे भूल जाना। कन्हैया के मुंह से यह बात सुनी, राधा की आंखों में आंसू आ गए, और रोते रोते अचानक हंसी आ गई राधा को। रोते रोते अचानक हंसना शुरू कर दिया। कन्हैया ने हंसते हुए देखा, कन्हैया टेंशन में आ गया, बोले इसे क्या हुआ। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले डर मत, मैं हंस क्यों रही हूं आज तुझे कारण बताती हूं। एक बहुत बड़ा राज है जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, तुझे भी नहीं कहा, और आज भी नहीं कहती, लेकिन आज तूने मुझे वो बात कह दी जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कौन सी बात? कि राधा हो सके तो मुझे भूल जाना, जो कि राधा के बस में ही नहीं है। तुझे भूलना राधा के बस में ही नहीं है, वो तो तू भूल जा कि मैं तुझे कभी भूलूंगी, लेकिन मैं हंसी क्यों वो सुन। राधा ने कहा, बोले कन्हैया ये जितने गांव वाले हैं ना, ये मुझे हमेशा कहा करते थे, हमेशा। बोले राधा जीवन में सब कुछ करना, हर मामले में सीरियस होना, इस कन्हैया को लेकर कभी सीरियस मत होना, क्योंकि ये अपने पूरे जीवन में आज तक किसी को लेकर सीरियस नहीं हुआ है। इसे लेकर कभी भी कोई गलतफहमी मत पालना, और इसके प्यार के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये छलिया है, खेलता है, अपना मतलब निकालता है और निकल जाता है। ऐसा छोड़कर जाएगा, वापस पलट कर भी नहीं आएगा, और सारा जीवन रोते रोते गुजरेगा। इसलिए सब कुछ करना, पर कन्हैया से प्रेम मत करना, इसके प्रेम के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था ठाकुर कि तू जीवन में किसी और से प्यार करे ना करे, मुझसे तो करता है, लेकिन आज तेरे मुंह से यह सुनकर के राधा मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना, यह बात सुनने के बाद आज मुझे यकीन हो गया कि गांव वाले सही थे, तूने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। क्योंकि अगर तूने प्रेम किया होता ना कभी इतना सा भी, तो यह कभी नहीं कहता कि मुझे भूल जाना, क्योंकि प्रेम करने वाले कभी भूलते नहीं।
इस बात से एक बात तो जाहिर हो गई कि मेरा प्रेम अब तक सिर्फ 50% चल रहा था। किसी भी चीज को मुकम्मल होने के लिए 100 चाहिए ना, यहां सिर्फ 50 था और वो 50 भी तेरी तरफ से नहीं, सिर्फ मेरी तरफ से। तूने आज साबित कर दिया कि तू मुझसे प्रेम नहीं करता। आज मैं तुझसे एक बात बताती हूं कन्हैया, दुनिया ये लोग कहते हैं कि तू भगवान है, सुनिएगा। अब आई राधा मुद्दे पर कि ये दुनिया वाले कहते हैं कन्हैया तू भगवान है, मैं नहीं कहती, क्योंकि मैंने तो तुझसे प्रेम किया है और प्यार मैंने भगवान भगवान समझकर नहीं किया तुझे, पर ये सारे कहते हैं तू भगवान है। अगर ये बात सच है कन्हैया, तो मैं जानती हूं आज तू बहुत टेंशन लेकर आया है मेरे पास कि मैं राधा को क्या कहूंगा, राधा क्या रिएक्ट करेगी, राधा क्या बोलेगी। बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जा, तू भगवान है ना। दुनिया कहती है जीवन मरण और पुनर्जन्म सब कुछ भगवान के हाथ में है। अगर तू भगवान है तो आज मुझे एक वरदान दे दे, और मैं तुझसे वादा करती हूं कि अगर तूने मुझे वो वरदान दे दिया तो मैं तुझे अपने जीवन भर के प्रेम के ऋण से मुक्त कर दूंगी। कन्हैया ने सोचा, बोले यार बहुत सस्ते में सरट गया आज तो, मैं तो बेकार ही डर रहा था। कन्हैया ने कहा मांग क्या मांगती है। राधा ने कहा, बोले यूं नहीं, वचन दे, तेरा क्या भरोसा छलिया है, अभी कहेगा मांग ले, दो मिनट बाद कहेगा बोले नहीं देता जा, तेरा कोई क्या करे, वचन दे। कृष्ण ने वचन दिया, बोले राधा मांग क्या मांगती है। उस वक्त राधा ने कहा कि कन्हैया अगर तू भगवान है तो मेरी एक इच्छा है कि मैं मरने के बाद एक बार वापस इस धरती पर आना चाहती हूं। ये दुनिया वाले कहते हैं राधा तू वापस नहीं आएगी, तेरी तो मुक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि तू कन्हैया के दिल में रहती है, भगवान के दिल में रहती है। पर आज मैं तीनों लोगों को साक्षी मानकर कहती हूं कि मुझे तेरे दिल में नहीं रहना और ना ही मुझे मुक्ति चाहिए। आज मैं तुझसे मांगती हूं कि मुझे मरने के बाद वापस जन्म लेना है, लेकिन शर्त एक है, जब आऊंगी अकेली नहीं आऊंगी, तुझे भी आना पड़ेगा, दोनों आएंगे। और वरदान क्या देगा कि जब अगले जन्म में दोनों आएंगे तो मामला आज वाला नहीं, मामला उल्टा होना चाहिए। मतलब मैं आऊंगी हाथ में मुरली लिए और मोर मुकुट धारण करके कृष्ण बनकर, और तुझे आना होगा राधा बनकर। फिर मैं आऊंगी तेरे पास और मैं आकर कहूंगी तुझसे कि राधा हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे बच्चों का खेल समझकर भूल जाना, और मुझे भी भूल जाना, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। फिर तुझसे पूछूंगी कि कन्हैया अब बता कैसा लगा, क्योंकि कहते हैं प्रेम में पीड़ा उसे होती है जो प्रेम करता है, प्रेम में जलन उसे होती है जो प्रेम करता है। जिसने जीवन में प्रेम ही ना किया हो वो उस दर्द को समझ ही नहीं सकता। आइए, बहुत सुंदर ये रचना, सिर्फ 5 मिनट साथ चाहूंगा। क्या कह रही है राधा कि कन्हैया बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। अरे सबके लिए हाथ उठे हैं ना, एक बार दोनों हाथ उठाओ राधे रानी के लिए, दोनों हाथ खोलकर बिल्कुल सीधे और झूम कर कहना है क्या, ओ सांवरे
राधा बनकर आएगा ना, तो जानता है सबसे पहला एहसास क्या होगा तुझे, सबसे पहला एहसास क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है, क्या होती प्रतीक्षा होती है, कितना जलता जब आंखें रोती है, बह गया आंसू तब ये जानोगे, बह गया आंसू तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा तो सामने, करने वाले के साथ सबसे मुश्किल समय कौन सा होता है जानते हैं आप, प्रेम करने वाले के साथ, कि जिससे आप प्यार करते हैं और वो आपको बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाए, उसके बाद जो जीवन होता है, लोग कहते हैं ना कि नर्क मरने के बाद मिलता है ना, जीते जी नर्क हो जाता है जीवन, यही कहा राधा ने, बोले तू तो गया मुझे छोड़कर जा रहा है मुझे पता है, लेकिन तेरे जाने के बाद इस पूरे गांव में एक घर ऐसा नहीं होगा एक भी जहां बैठकर मैं दो आंसू बहा सकूं, क्योंकि जहां जाऊंगी सिर्फ ताने सुनने को मिलेंगे। बोले आ गई कन्हैया की दीवानी, समझाया था मत फंस मत फंस, क्या हुआ राधा भाग गया, अब रोती रहे तेरी तकदीर में रोना ही लिखा है, और ये ताने जीवन भर तुझे नहीं मुझे सुनने पड़ेंगे, मैं चाहती हूं तू भी सुन, तू भी सुने, और क्या हो कन्हैया जब कोई सुने गाना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब कोई सुने गाना तब ये जानोगे, सुनोगे ताने तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा सामने, ओ सामने, ओ सामने। और अब सुनिएगा अंत में क्या कहा राधा ने, कि कन्हैया लोग कहते हैं तू भगवान है, पर अगर ये बात सच है तो आज एक काम कर दे, कौन सा, अब एक तमन्ना है कर फिर से जन्म मिले, अब एक तमन्ना है कर फिर से जन्म मिले, अब ये बात कर फिर से तो मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए, मैं तू राधा बन के जिए,